फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया आर्ट गैलरी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने अपने ड्राइंग के स्किल को इम्प्रूव किया। दोस्तों, आज तक मैंने कभी भी कोई आर्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया है, जो भी सीखा है बस देखकर और एब्जॉर्ब कर सीखा है। और आज जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये अफ्रीकन ग्रे बर्ड का जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ, ये पहले भी मैंने बनाया है करीब 1 से 1.5 साल पहले, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा। तभी बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता था, ड्राइंग का डी भी नहीं आता था। बस जो भी इमेज होता था वो मैं देखकर कॉपी करती थी, और इमेज में जैसे कलर किया होता था वो मैं कलर उसमें डालती थी। और तभी मेरे पास प्रॉपर आर्टिस्ट वाले टूल्स भी नहीं थे कुछ, ना कोई अच्छा पेंसिल था, जो घर पर था स्केच कलर नॉर्मल पेंसिल, बस उसी से ड्रॉ करती थी, क्योंकि बेसिक नॉलेज ही नहीं था मुझे। तो मैं अगर परचेज करती भी तो क्या करती, समझ में नहीं आता था कि मतलब कौन सा टूल्स कैसे यूज करना है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया। जब मैं अपना पहले का ड्राइंग देखती हूँ अब, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो इम्प्रूव हुआ है मेरे में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक आर्टिस्ट हैं या आपको भी ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे पता है कि आप भी बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोज़ देखते होंगे ड्राइंग का, पेंटिंग आर्ट पोर्ट्रेट सारे। तो मैं भी ऐसा ही देखती थी, बट जो चीज़ मैंने एब्जॉर्ब किया है उन वीडियोस को देखकर, वही मैं आज इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं जब कोई भी बड़े आर्टिस्ट लोगों का जब वीडियो देखती थी, तो मैं उसमें एब्जॉर्ब करती थी कि उन्होंने पेंसिल किस एंगल में पकड़ा है, उनका जो हैंड है वो कैसे मूव कर रहा है, कोई भी शेप वो अगर दे रहे हैं तो उनका पेंसिल कैसे मूव कर रहा है, कैसे टर्न हो रहा है, एंगल कैसे चेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि जब भी पेंसिल से कोई आर्ट बनाए, तो कब लो प्रेशर में काम करना है और कब डार्क प्रेशर में काम करना है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है जब आप पेंसिल पे काम कर रहे हो। तो ये मैंने एब्जॉर्ब किया। तीसरा पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो ये कि जब कलरिंग में काम हो रहा है, तो ब्रश में कितना मतलब वाटर होना चाहिए, या फिर कलर में कितना वाटर मिक्स करना चाहिए, कलर का क्या थिकनेस होना चाहिए, किस पेंटिंग में मतलब कैसे वाटर का और कलर का यूज करें, वो सब मैंने नोटिस किया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कलर का सेट्स को मैंने सीखा। और पेंसिल्स से अगर आर्ट कर रहे हैं, तो पेंसिल्स कौन से डार्क चलते हैं, कौन से लाइट शेड्स वाले पेंसिल है, इन सब के बारे में मैंने सीखा और प्रैक्टिस किया। और इसके अलावा जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है वो है मेज़रमेंट। किसी भी ड्राइंग का मेज़रमेंट या पोर्ट्रेट का मेज़रमेंट लेना सही सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी है, और इस पर मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। हालाँकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, और जैसे जैसे मैं सीखती रहूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए कि मैंने कैसे इसे ड्रॉ किया है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।